नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम भारत में निकलने वाली भर्तियों की जानकारी देने वाला हूँ। भर्ती के संबंध में संपूर्ण और सटीक जानकारी दूंगा। बस आप सभी से एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हैं तो आपको भारत में निकलने वाली वाली भर्तियों की जानकारी, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजना की जानकारी व भर्ती व योजनाओं के फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है उसकी फुल प्रोसेस की वीडियो आपको बनाकर देंगे। इन सभी जरूरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। और ये नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, ये इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज हम एक ऐसी नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एयर इंडिया एयर एयरपोर्ट सर्विसेज में 107 पदों पर भर्ती निकली है। तो इसमें आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, जो आवेदन शुल्क है एसटीएसटी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निःशुल्क है और अन्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, तो चलिए, इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, सैलरी है, सिलेक्शन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट है, सभी आपको जानकारी देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिसका नाम है GoNews24। इस पर आपको चले जाना है, गूगल क्रोम पर कहीं पर भी आपको ओपन कर लेना। इसे सबसे पहले आपको फॉलो कर लेना, ताकि आप जो भी हम भर्ती की जानकारी डाले वो सबसे पहले आपको मिल सके। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज में 107 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 55 साल, सैलरी आपको 60,000 से भी ज्यादा। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 100 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 11 से 14 नवंबर तक किया जाएगा। भर्ती का अगर हम बात करें तो डिप्टी टर्मिनल मैनेजर सहित अन्य पद है। दोस्तों, आवेदन की अगर हम तारीख की बात करें तो आवेदन की जो स्टार्टिंग की तारीख है वो है 1 नवंबर 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क अगर हम बात करें तो एसटीएससी भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर निःशुल्क है और अन्य कैटेगरी जो आ रहे हैं जैसे जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये यहाँ पर चार्ज है जो रखा जाएगा। कुल पदों की बात करें तो 107 पद हैं। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स बन के ड्यूटी मैनेजर के 1 पद है, डिप्टी मैनेजर रैप मैनेजर के 2 पद हैं, डिप्टी ऑफिसर के 3 पद हैं, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के 1 पद है, कस्टमर सर्विसेज जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 35 पद है, हेडीमैन के 45 पद है, सर्विस एग्जीक्यूटिव के 4 पद हैं, यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर के 15 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी पद हैं, इसमें आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु सीमा आपकी 55 साल होनी चाहिए, ठीक है, अधिकतम 55 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष और एसटीएससी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो पद के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं आईटीआई डिप्लोमा वीआई या बीटेक होना चाहिए। ग्रेजुएशन एमबीए की डिग्री आपके पास जो है वो होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपको दी जाएगी 21,270 से 60,000 रुपए तक प्रतिमाह आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर यानी इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन किस प्रकार से करना है तो आवेदन आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कहां पर मिलेगा वो भी हम बताएंगे। आपको इस पर भेजना है, किस पते पर भेजना है, इंटरव्यू का पता है ब्लॉक गुरु अमरदास एवेन्यू एयरपोर्ट रोड अमृतसर पंजाब, पिन कोड भी यहाँ पर दिख रहा है 14301। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसकी जानकारी पूरी हम ले सकते हैं। और अगर आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एपीआई एयरपोर्ट सर्विसेज, यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जो है वो आवेदन फॉर्म देखने को मिलेगा। आवेदन फॉर्म भरकर जो आपको पता बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर जो आपको जो पता बताया गया है उस पते पर आपको इसे भेज देना। 15 नंबर से लेकर 26 मतलब कि 6 पेज का आवेदन फॉर्म है, इसे आपको पूरा भर लेना है A to Z और लिफाफा में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसे भेज देना है।
एंड ये ध्यान रखेगा कि 14 तारीख से पहले पहले ये हम वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।